नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कैम शेयर के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैम करती क्या है, इसके टारगेट क्या हो सकते हैं फ्यूचर में, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कैम्स करती क्या है। तो सिंपल भाषा में बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि म्यूचुअल फंड्स जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, इसका जो भी डेटा होता है, इनमें जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, SIP, मैंडेट, एप्लीकेशन प्रोसेस और जो भी चीज़ें हैं, ये सारा डेटा जो है यही करती है। म्यूचुअल फंड तो हम सभी कराते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि सारा काम जो है कैम्स करती है, और ये इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है। इनकी 4 सब्सिडियरीज हैं, 1 मिनट, इनकी 4 सब्सिडियरीज हैं, जिनका नाम यहाँ पे मैंने देखिए डिस्प्ले कर दिया हुआ है। पहला आता है कैम्स इंश्योरेंस डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, कैम्स इन्वेस्टर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, कैम्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, स्टर्लिंग सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। तो इन 4 सब्सिडियरीज के जो काम हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए हैं। इनका पहला काम जो है ई इंश्योरेंस का है, जिसमें इनका मार्केट शेयर 39% का है। ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, नंबर एक की बात अगर करें तो वो NSDL है। सेकेंड इनका आता है कैम्स इन्वेस्टर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें ये करते क्या है, KYC रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी होते हैं म्यूचुअल फंड्स का, वो काम करते हैं। तीसरा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर सेल्फ और म्यूचुअल फंड्स, जिनके सेंटर्स अगर आप ऑल इंडिया में देखेंगे तो 278 सेंटर्स हैं 25 स्टेट्स में, राइट? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इसके प्राइस एक्शन की। तो आज का जो करंट प्राइस है इस मार्केट, इसका जो करंट प्राइस है वो 3,000 के आसपास का है। ये देखिए 2,996 रुपये का है। इसका 52 वीक हाई देखें तो जो हाल ही में अभी बीता है, 4,000 रुपये के आसपास रहा होगा। अगर वहाँ से हम बात करें तो ये 20% डिस्काउंट पे हमको अवेलेबल है। रिटर्न्स वर्सेस FD देखें तो इस स्टॉक ने हमको FD के मुकाबले बेहतर रिटर्न दिए हैं। डिविडेंड कंपनी का डेटा इसमें है नहीं, टिकर टेप की वेबसाइट ने इसको बोला हुआ है, सजेशन दिया हुआ है कि ये गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन। स्टॉक SM/JSM लिस्ट में नहीं है, ठीक है। 60% एनालिसिस ने सजेस्ट किया है कि आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो इनके रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ हो रही है, 657.82 करोड़, देन 711 करोड़, 720 करोड़, फिर 735। प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में 145, देन 130, फिर 171, 205 करोड़। बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर के पास होल्डिंग 30.96% की है, म्यूचुअल फंड के पास 11% की है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट के पास 10.75% की है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 25, काफ़ी अग्रेसिव हैं इसके अंदर, और रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो मात्र 22% की होल्डिंग इनके पास है। की मैट्रिक्स की बात करते हैं तो सेक्टर का पी है 71, वो सॉरी माफ़ करिएगा, सेक्टर का पी 27 है और स्टॉक का पी है आपका 71। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखेंगे 28.26 का है, डिविडेंड यील्ड 2.11, सेक्टर का पी भी 2.35 और सेक्टर का डिविडेंड यील्ड जो है 0.54, यानी कि जो सेक्टर है ये डिविडेंड उससे बेहतर देती है, जो मेरे क्राइटेरियो को फुलफिल करता है, काफ़ी अच्छा है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यू उनका 2015 में 372, 442, 472, 567, 711, 720, 735। प्रॉफिट नेट इनकम की बात करते हैं 69.64, 81, 107, 145, 130, 171, 205, यानी सार दर सार इनके प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। EPS की बात करें तो EPS भी इनके हर साल बढ़ रहे हैं, जो इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में ये काफ़ी अच्छा स्टॉक जा सकता है। आज की बात करते हैं तो 2,996 रुपये का रेट था इसका कल का क्लोजिंग रेट।
बात करते हैं हम सपोर्ट की, तो इसका जो सपोर्ट अभी आ रहा है, जो पहला सपोर्ट 2799 का, और जो पहला सपोर्ट था इसका मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 3034 का सपोर्ट था, जिसको इसने ब्रेक कर दिया स्टॉक ने। अगला सपोर्ट जो आ रहा है 2738, यानी कि जो करंट प्राइस कंपनी का है 3000 के आसपास है। तो अभी जो मुझे लगता है कि यह स्टॉक में थोड़ी और करेक्शन हो सकती है। अगर आप स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं तो आप चाहें तो करंट मार्केट प्राइस पर कुछ क्वांटिटी उठा सकते हैं, और बाकी की क्वांटिटी आप अगली गिरावट पर ले सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अगर इसकी रजिस्ट्रार की, तो 70% मार्केट शेयर इनका है, यानी कि इंडिया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। म्यूचुअल फंड के जो भी डेटाज होते हैं उनको मैनेज करती है, ट्रांजेक्शन वगैरह जो भी हैं वो मैनेज करती है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको बाकी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि समय की थोड़ी सी दिक्कत है मेरे पास, थोड़ा सा कुछ अर्जेंट काम आ रहा है मुझे। तो जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मैंने उम्मीद करी कि आपको दे दूँ। एक बार चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है कि इसका सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, जो स्टॉक गिर क्यों रहा है, स्टॉक के गिरने का सिर्फ एक ही मेन कारण है कि इस स्टॉक को लिस्ट हुए 1 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनका जब वो कोई भी स्टॉक का IPO आता है, तो उसमें जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनका एक लॉक इन पीरियड होता है जो करीब 1 साल का होता है, तो वो पूरा हो चुका है। इसी की वजह से स्टॉक थोड़ा प्रेशर में दिख रहा है। बाकी अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है इसका, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस फील्ड में ये काम करती है वहाँ पर किसी नए प्लेयर की एंट्री के लिए बहुत बड़े क्राइटेरिया होते हैं, जिनको फुलफिल करना सबके बस की बात नहीं होती है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये स्टॉक फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि अभी हमारे इंडिया में, ये देखिए डेटा दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये डेटा है प्रोविडेंट एंड पेंशन फंड अकाउंटेड फॉर 2/3 ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ इंडियन हाउस होल्ड एज ऑफ December 31, 2020 अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट फॉर्म जस्ट 9.4% ऑफ एन इंडियन हाउस होल्ड सेविंग इन 2020, यानी 2020 तक का जो डेटा है इसका, उसमें अगर आप बात करें तो भारत की पॉपुलेशन का मात्र 9.4% ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड करा रखा है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप दोस्त, इसका मतलब साफ साफ ये निकल करके आता है कि फ्यूचर में ये स्टॉक, अगर आज आप इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं, तो इसके अंदर ऊपर जाने की बहुत बड़ी गुंजाइश है, बहुत बड़ी गुंजाइश है। क्योंकि ये एक यंग कंपनी है, आने वाले 5, 10 या 15 साल की बात करूं, तो आज ये 9.4% का जो डेटा आपको शो हो रहा है इस जगह पर, आपको क्या लगता है कि ये यहीं रहेगा? नहीं दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर ये 20% भी चला गया आने वाले 10 सालों में, तो आपका जो आज प्राइस आप कैम्स का देख रहे हैं 3000 के आसपास, ये फ्यूचर में कभी नहीं मिलेगा। अगर आपके पास अमाउंट है और आप पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा स्टॉक लेना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 100% आप इस स्टॉक को बाय कर कर चलिए, 110% फ्यूचर में। ये गारंटी मैं आपको देता हूँ कि किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होगी आपको, आपको पछतावा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने ये स्टॉक आखिर अपने पोर्टफोलियो में रखा क्यों। क्योंकि मैंने बताया कि ये एक यंग कंपनी है, ये बिल्कुल ही यंग कंपनी है, ठीक है दोस्तों। तो आप अपने बजट के अनुसार जो भी अमाउंट आप लेना चाहें, आप धीरे धीरे करके इसके अंदर
इसके अंदर सिर्फ आप एक क्वांटिटी उठाइए, सिर्फ एक 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 क्वांटिटी आप उठाइए SIP के जरिए, और इसको अपनी आदत बना लीजिए आप। जैसे कि कहना चाहूँगा, वैसे थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, कि आप में से बहुत से लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, कई लोग के कुछ खर्चे होंगे, जैसे कि गुटखा का सेवन करना, सिगरेट का सेवन करना। अगर आपका इसका मंथली खर्चा 15 से 2 हज़ार रुपये भी है, तो अगर आप 500 रुपये भी हर महीना बचाएंगे ना, तो आप 4 महीने में सिर्फ एक स्टॉक तो ले ही लेंगे। इसका एक स्टॉक अगर आप 4 महीने में लेंगे, तो एक साल में टोटल कितने स्टॉक हो जाएंगे? 3 स्टॉक अगर आप साल में लेते हैं, तो आज इसका रेट 3,000 रुपये है, तो फ्यूचर में जाहिर सी बात है कि इसका रेट बढ़ेगा। लेकिन हो सकता है स्टॉक अभी ये अपने करंट लेवल से आपको थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाए, 10% करीब करीब गिरावट के अंदर और हो सकती है, यानी 2700 के लेवल पर ये स्टॉक जा सकता है, राइट? तो 2700 के लेवल पर अगर आए, तो आप आँख बंद करके स्टॉक को ले लीजिए फ्यूचर के लिए। मैं बता रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी वेल्थ बना देगा ना, कि आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी। क्योंकि देखिए, मेरा एक मानना क्या है, मुझे मार्केट में काफ़ी समय हो गया है, और मैंने मार्केट को हर तरह से परखा है। मार्केट में अगर आपने एक सही बिजनेस मॉडल की कंपनी को पिक कर लिया ना, तो मार्केट में आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। आपकी जीत जो है पक्की है, कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। आज अगर आप जो मेरा वीडियो जनता देख रही है, अगर उनकी एज 20 से 25 साल, 30 साल, 35 साल है, तो रिटायरमेंट के लिए कोई प्लानिंग तो करी होगी ना आपने। मैं कह रहा हूँ, अगर आपने बैंक में FD करी है, तो बैंक में FD आपने करी है, तो वो भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6.5% का रिटर्न ही आपको बना करके देगी। 6.6 to 6.5%, इससे ऊपर के रिटर्न नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन ये स्टॉक अगर हर साल सिर्फ 15% के ग्रोथ से ही ना, 15% रिटर्न ही आपको देता है ना हर साल, तो आप समझ भी नहीं सकते हैं कि कितनी बड़ी वेल्थ बना देगा। देखिए दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मेरी इस सलाह को आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लीजिएगा। मैं कोई बाइंग और सेल की रिकमेंड नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं एक सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो डिस्क्लेमर के लिए बताना चाहूँगा आपको कि यह स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है, और मैं इसको हर एक डिप पर गिरावट पर ख़रीदता हूँ। जो मेरी पहली बाइंग प्राइस थी स्टॉक की, वो करीब 2200 के आसपास की थी। आज भी इतनी गिरावट होने के बाद मैं इसमें प्रॉफिट में ही हूँ। तो मुझे स्टॉक काफ़ी अच्छा लगता है फंडामेंटली एंड टेक्निकली, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग भी इस स्टॉक में निवेश करिए। और हाँ, कोई भी बाइंग एंड सेल के लिए आप अपनी ऑन स्टडी ज़रूर करें, या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग ही बोला था आपसे कि थोड़ा जल्दी हो रही है, मुझे थोड़ा काम था, तो वो काम मेरा जो है हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो लंबा बना रहा था, ताकि मेरा पहला कर्तव्य है कि जो भी स्टॉक के बारे में आपको बताऊं, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए, कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत ना हो। तो फिर से मिलते हैं दोस्तों आपको कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, टेक केयर।